ओम शांति। ओम शांति। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, अभी नंबर लगा के देख लो, फोन भगवान उठाता है कि नहीं है। हाँ, तो आप कहेंगे हमने इतना फोन किया उठाया नहीं है, तो नंबर गलत होगा। तो फिर से बताता हूँ नंबर कौन सा है। हाँ, एक मैं कौन, हाँ एक मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, फिर मैं कहाँ से आया। मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, और मैं कहाँ से आया। ये पांच नंबर याद रखें। इसका चिंतन करना मीन्स आत्मचिंतन करना, आत्मा को जागृत करना। फिर परमात्मा चिंतन, परमात्मा कौन, वो पवित्रता का सागर है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप कौन है, शांति का सागर, कभी दुख देने वाला नहीं, गुस्सा करने वाला, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाता है, दुख हरता सुख कर, दूसरों को सुख देने वाला है, और मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। किसे मुक्ति चाहिए, कौन देगा, जीवन में रहते हुए मुक्त, बुराइयों से मुक्त, दुखों से मुक्त करने वाला, और भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन धन समय श्वास, भगवान के कार्य में कैसे लगाओ, तो भाग्य बनाने की विधि बताता है, वो भी बताऊंगा कल शाम को। भाग्य कैसे बनाना है, तन मन धन कैसे लगाना चाहिए। फिर पांच सातवां आठवां कौन सा, भगवान दिव्य बुद्धि दाता, ये आठ शक्तियां है। तो आराम से बैठ के मन में चिंतन करो, मन प्रश्न करता, मैं पूछो माता जी आपका नाम, तो आप जवाब देंगे ना, तो आप अपने आप से पूछो मैं कौन, किसका बच्चा हूं, रावण का बच्चे हो कि सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे। फिर सब भगवान कौन, वो भी भगवान के बच्चे कहने से नहीं, भगवान किसको कहेंगे, नहीं सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हम। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, पांच मिनट कर सकते हो, ठीक है, वो अभी पांच मिनट बैठना, सिर्फ पांच मिनट के बाद जाना, ठीक है, आंखें खोल के इधर देखते बैठो, मन में विचार करना, मुख से आवाज नहीं, मन का, मन मन के आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है, मुख का आवाज शरीरधारियों के पास पहुंचता है। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, देख लो ऐसे आराम से बैठो, अभी इधर उधर देखना नहीं, पांच मिनट बैठना। ओम शांति। कर सकते हो ऐसा कि कठिन है, भाई बताओ, ऐसे बैठने से अच्छे विचार आए कि दूसरे विचार आए, हाँ इसको कहते हैं साधना। जो तपस्या जो करते हैं तो मन के विचार, मन को तपाना है, मन बुद्धि लगाना है, उसके आपके विचार जाते ऊपर, वही इधर बैठ के अगर गलत विचार किया तो गलत विचार भी जाएंगे ना, तो आप देख लो ये गलत विचार नहीं आने चले, आप विचार दे दो, खाली मन शैतान का काम करेगा। अगर इधर खाली बैठे रहेंगे तो इधर उधर के विचार आएंगे, अगर मन को और बुद्धि को काम दे दो तो वो विचार चलेगा, इसलिए आपको काम दिया, ये विचार करो। जैसे भक्ति में माला देते हैं और श्री राम 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 करते रहो मुख से, तो मन के अंदर और चीज चलता है, तो यहां मुख से नहीं, ये भक्ति नहीं, ज्ञान, मन में पाप है, मन अशांत है, मन को स्वच्छ करने के लिए मन में विचार करो, अच्छे विचार करेंगे तो मन स्वच्छ होगा, बुद्धि के अंदर अच्छे विचार करेंगे, जवाब दिया, प्रश्न पूछते हो जवाब देता बुद्धि, बुद्धि को याद रहता है ये बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धि ये दोनों चलते हैं। ये पांच मिनट अगर आप रोज करो तो देखना आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, समझ में आया।